स्वागत है आपका सीटीडी न्यूज में। आईपीएल 2021 की उल्टी गिनती शुरू है, 9 अप्रैल से आगाज है और पहले ही मैच में विराट कोहली की कमान वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टक्कर डिफेंसिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस से है। मिनी ऑक्शन में कुछ बड़े नामों को जोड़ने के बाद रॉयल चैलेंजर्स की सूरत तो बदली है, पर बड़ा सवाल ये है कि क्या उनमें मुंबई इंडियंस के चैलेंज से निपटने का मादा है। 18 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारत के एक पूर्व क्रिकेटर रितेंद्र सिंह सोडी ने इस बारे में अपना मत रखा। उन्होंने कहा कि आईपीएल 2021 का ओपनर जीतने के लिए आरसीबी के कप्तान को प्रार्थना करनी होगी, उन्हें मानना होगा कि मुंबई इंडियंस वाले फॉर्म में ना हों। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने ऐसा क्यों कहा, पहले ज़रा वो समझिए। उनके ऐसा कहने के पीछे की वजह है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उनका प्रदर्शन। दरअसल भारत को व्हाइट बॉल सीरीज जीतने में मुंबई इंडियंस से जुड़े खिलाड़ियों का बड़ा हाथ रहा है, फिर चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, ईशान किशन हो या हार्दिक पांड्या, सबने इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज में अपना लोहा मनवाया है और ये इस बात का प्रमाण है कि वो कितने धाकड़ फॉर्म में हैं। रितेंद्र सिंह सोडी के मुताबिक विराट कोहली के सामने बड़ी ही अजीब समस्या है। जब मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी भारत के लिए खेल रहे थे तब तो वो ये मान रहे होंगे कि वो सारे कैच पकड़े, बड़ी पारी खेले और टीम को जीत दिलाएं, लेकिन आईपीएल के शुरू होते ही उनकी चाहत बदल जाएगी। अब वो चाहेंगे कि खिलाड़ी कैच टपकाए और सस्ते में निपट जाए, मतलब वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाए। भारत के लिए सिर्फ वनडे खेलने वाले सोडी ने आईपीएल में मुंबई इंडियंस के वर्चस्व के पीछे उसके काबिल खिलाड़ियों का रोल बताया है। उन्होंने कहा मुंबई इंडियंस की कंसिस्टेंट है क्योंकि उसके खेमे में मैच विनर की भरमार है। इनमें पांड्या ब्रदर्स सूर्य कुमार यादव हैं जो अपने दिन पर मैच पलटने का दमखम रखते हैं। इसके अलावा विकेट के आगे और पीछे दोनों ही छोर पर कमाल करने वाले ईशान किशन भी मुंबई इंडियंस के पास है। खेल जगत की ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे सीटीडी न्यूज़। साथ ही लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।